दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ माय इंट्राडे में। दोस्तों, कल बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जिन लोगों के कॉल्स आए उनको मैंने मार्केट समझा दिया था। और मुझे पता है कि आज मार्केट में जो हुआ वो जिन लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना था और जिन लोगों ने मेरे ये वीडियोस देखे हैं जो न्यू लर्निंग सीरीज़ के हैं, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। आप याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था आपको, कि मार्केट 32,500 तक निफ्टी आ सकता है और 32,500 तक बैंक निफ्टी आ सकता है और निफ्टी जो है वो 14,220 तक आ सकता है। ये बात मैंने साफ साफ अपने इन वीडियो में बताई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, जरा देखिए, देखिए जरा ध्यान से। मैंने आपको क्या लिखा, मार्च एक्सपायरी में कॉपर 670 तक आ सकता है। उस समय रेट कितना था, 705 रुपये। और ये ठीक 24 फरवरी को मैंने बताया था और 4 फरवरी को ये रेट आ गया था, मात्र 8 दिन में। उसी दिन, ये देखिए आप डेट क्या लिखी है, 24 फरवरी 2021। और उसी दिन मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी मार्च एक्सपायरी में 32,500 तक आ सकता है। उस समय शायद बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर चल रहा था, लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। और अगर आप यूट्यूब चैनल देख डालिए, 32,500 किसी ने अगर बताया हो तो बताया हो, नहीं तो लोग समझते ही नहीं है कि मार्केट चलता कैसे है। मैंने आपको बोला था 32,500 तक आ सकता है बैंक निफ्टी, 670 तक आ सकता है कॉपर। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया था, जिस दिन क्रूड जो है 47 या 4900 चल रहा था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि क्रूड जो है वो 4300 दोबारा आ सकता है। और मार्केट में आप देख लीजिए, 4300 क्रूड दोबारा आ चुका है, बल्कि 4200 तक भी गया है। तो दोस्तों, ये मार्केट को किसी ना किसी तरीके से मैं जज करता हूँ, तभी तो आपको पता चलता है, या मैं पहले से फोरकास्ट करता हूँ। वो क्या चीज़ है वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको सीख सकते हैं। आज देखिए, आ गया ना बैंक निफ्टी 32,500। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट खोलें तो बैंक निफ्टी का चार्ट ये है। इसका लो आज कितना है, यहाँ पे आपको लो दिखाई देगा, इस जगह पे आपको लो दिखाई देगा, इस जगह पे ये लो है, ये हाई है। देखिए जरा, मैं इस पे अगर कैंडल पर मैं कर्सर रख रहा हूँ तो कहाँ पे आ रहा है, 32,415 का लो है। तो दोस्तों, 32,500 टच कर गया। मेरे उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, अभी सैटरडे संडे आ रहा है, सैटरडे संडे आ रहा है, आप ध्यान रखिए, मैंने आपको कहा था कि इस लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकता है। मैंने साफ साफ आप लोगों को लाइन खींच कर बताया था कि 32,500 तक फ्री फॉल है। मैंने इस तरह से एक ब्रैकेट भी बना के दिखाया था कि यहां से यहां तक, जब मार्केट यहां कहीं था, यहां कहीं मार्केट था, इसको ब्रेक किया था, तब मैंने बोला था यहां से यहां तक कोई भी रोक नहीं है, मार्केट सीधा आएगा। और मार्केट सीधा ही आया है, आप देख लीजिए, इस कैंडल के बाद से यहां तक मार्केट सीधा ही नीचे आया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मार्केट को कैसे समझना है, कैसे क्या करना है, उस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से आपको मार्केट समझ में आने लगेगा। अब कल क्या हो सकता है, कैसे मार्केट को हमें देखना है, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। यह है निफ्टी, ये निफ्टी का डेली चार्ट हमने आपको लगा रखा है। अब मार्केट इस जगह आ गया, अगर आप देखेंगे तो यहां से मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुका है। ये देखिए आप, यहां से मार्केट पहले भी सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। तो क्या ये सपोर्ट है, क्या ये सपोर्ट है, केवल एक चीज से हम कभी भी कंफर्म नहीं करेंगे, क्या ये सपोर्ट है, क्या मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, क्या होगा। जब तक हम दो तीन जगह से कंफर्म नहीं कर लेंगे, तब तक हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बना लिया है या मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। अब देखिए और क्या चीज़ दिख रही है आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन बन रही है, इतनी दूर से लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। एक्चुअली मैं ये मैं अपना ड्रॉ करता रहता हूँ। ये देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, ये ठीक है ना, मार्केट ने ये पहला टच लिया यहाँ पर, इसके बाद ये यहाँ पर एक टच हुआ और एक यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो एक तो आपको ये वाली लाइन दिख रही है और एक आपको ये वाली लाइन दिख रही है, तो दो जगह से मार्केट कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे हाल फिलहाल एक सपोर्ट मार्केट ले सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हम आगे ये वाले लेवल, जो मैंने ये लाइन बना रखी है 13,597 पे, आप जा सकते हैं। लेकिन वो अभी दूर की बात है, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम पहले इसको हम अपना ये हटा देते हैं, आप लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा ये। तो अभी आपको केवल क्या देखना है, यहाँ पर आपको एक तो ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रही है इस मार्केट को, और जो मार्केट है वो उसी जगह खड़ा हुआ है जहाँ से पहले भी सपोर्ट ले चुका था। तो कल के दिन क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मार्केट को किस तरह से आपको रीड करना है। चलिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने आपको सिंपल सा तरीका बता ही दिया है। अब आपको ये देखना है कि मार्केट और कैसे चल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट किस जगह आ चुका है, ये इसने लो बनाया। देखिए, आज का मार्केट बिल्कुल सिंपल था। कैसे सिंपल था, देखिए, आप लोगों को ये तो बता दिया जाता है कि आपको करना क्या है, आपको ये नहीं पता कि क्या नहीं करना है। आपको आज के दिन ये हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक, आप बताओ, कहीं भी कोई बाई का सिग्नल दिया नहीं दिया। सीधा सीधा आपको क्या करना था, यहाँ पे सेल करके बैठना था, या अगर आप कॉल पुट में काम करते हो तो पुट बाई करके बैठना चाहिए था। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं था, सिंपल से। और यहाँ तक कहाँ तक, ये भी मैं आपको बता दूँ कहाँ तक। ये देखिए, ये कैंडल कितने बजे की है, 13 बजे की। आप याद करिए कि मैंने आप लोगों को जो यूट्यूब पे एक स्ट्रेटजी डाली थी एक्सपायरी स्पेशल करके, अगर नहीं देखी है तो जाके आप उस चैनल पर जाकर देख लीजिए। एक्सपायरी स्पेशल में हमने आपको बताया था कि 13 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 13:30 तक, 13:30 तब जब मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रहा हो। यहाँ पे मार्केट की इस कैंडल ने ही आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया मार्केट, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, अपने इस प्रॉफिट को भुना लेना है, यानी लेके निकल जाना है। और जो मंथ की एक्सपायरी होती है, एक तो वीकली एक्सपायरी होती है और एक मंथली एक्सपायरी, आज मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी बहुत वोलाटाइल होती है। 90% केसेस में मंथली एक्सपायरी वोलाटाइल होती है, तो वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए था, अगर यहाँ तक हमको पैसा मिल रहा था तो यहाँ पे हमको एग्जिट करके कंप्यूटर को बंद कर देना था। लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे बड़े आराम से, वो सोच रहे थे बड़े आराम से मार्केट नीचे जा रहा है, और जिन्होंने कॉल सेल करके बैठे थे उन्होंने बहुत अच्छा, उनको प्रॉफिट मिल रहा होगा, डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा अब तो मार्केट और नीचे चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये थी मंथली एक्सपायरी, तो अगर किसी ने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया होगा तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा पुट का, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, और जिन्होंने कॉल का लिया होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गए होंगे। तो मार्केट में आपको समझना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अब आप क्या कर सकते हो आगे, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। जब तक मार्केट, इसको भी आप बना सकते हैं और इस बीच वाले पॉइंट को छोड़ के भी आप बना सकते हैं, इन दोनों हाई को मिला के भी बना सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर हैं वो इस लाइन को फॉलो करें, और जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो इस लाइन को फॉलो करें। दोनों ट्रेंड लाइन का अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन
अगर आप सेफ लोगों के लिए ही मैं बताता हूँ, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस लाइन के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा, बुलिश कैंडल देगा, तभी हम इसमें एंट्री करेंगे, अन्यथा हम एंट्री नहीं करेंगे। और अगर ये लो टूटता है तो हमने आपको बताया, दिखाया भी है पीछे कि यहाँ पर ये जो लो है वो एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट है। तो अगर इस लो को टूटना है तो मार्केट 14,200 14,150 तक आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, मार्केट अभी यहाँ पर या तो हॉल्ट करेगा या एक पुल बैक लेगा, और वो पुल बैक इसको इस पॉइंट के ऊपर ले जाएगा। तो अभी भी आपके पास 200 से 300 पॉइंट की रेंज है। अब क्या हो सकता है, कल तीन सिनारी हो सकते हैं, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा जहाँ पे क्लोजिंग दी है, या मार्केट गैप अप खुलेगा, या मार्केट गैप डाउन खुलेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, धीरे 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 जाके ब्रेक करता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके आप एंट्री मार सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुल के धीरे 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 प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे आता है, तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ से भी आप एक बाई कर सकते हो, एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस लेके, एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ से भी बाई कर सकते हो। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया और नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आप बाई तो भूल जाइए, सिर्फ आपको क्या करना है, सेल करना है ये स्टॉप लॉस लेके। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो भी क्या हो सकता है, गैप अप खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आपके पास इस ट्रेंड लाइन पे बाई करने के दो तरीके आपको बता दिए, मार्केट फ्लैट खुलता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो भी आप कॉल साइड में बैठ सकते हैं या बाई कर सकते हैं, गैप अप खुलने के बाद मार्केट इस लाइन को सपोर्ट करके ऊपर जाता है तो भी आप बाई कर सकते हैं, और अगर आपको मार्केट इस सपोर्ट के आसपास मिलता है तो भी आप बाई कर सकते हो। तो तीन तरीके हमने आपको बाई के बता दिए। अब बात करते हैं सेल आप कहाँ कर सकते हो। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के धीरे धीरे जाता है और इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल फॉर्म होती है, तो केवल इस लेवल तक पहला टारगेट आपका हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक सेल कर सकते हो, या मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप यहाँ पर एक सेल कर सकते हो। तो इस तरह से आप कल निफ्टी को ट्रेड करिएगा, मैंने तीनों सिचुएशन बता दी। अब दो हो गई सिचुएशन, एक तो गैप फ्लैट हो गया, एक गैप अप हो गया। अब गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करोगे, मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है, अगर गैप डाउन ओपन होता है आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस लो के नीचे ओपन होता है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है और प्राइस एक्शन बनाने का वेट करना है। अगर प्राइस एक्शन बनाता हुआ मार्केट नीचे जा रहा है तो आप सेल साइड में जा सकते हो इसी गैप का स्टॉप लॉस लेके, राइट। तो ये तो हो गई बात निफ्टी की, चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का सिनारियो इससे अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसी ट्रेंड लाइन का एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए, इसके ऊपर जो कंडीशन निफ्टी में बताइए उसी तरीके से आप काम करिएगा। इसके लो के नीचे आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है पीछे से जो आ रही है, जो यहाँ पर सपोर्ट दे रही है, यानी इसका मतलब है यहाँ पे दो जगह से सपोर्ट है और ये सपोर्ट को मार्केट होल्ड कर सकता है, कम से कम 1 या 2 दिन के लिए होल्ड कर सकता है। तो आपको निफ्टी पे जो चीज़ हमने आपको बताई है उसी हिसाब से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, उसी हिसाब से फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो ध्यान रखना है इससे बाई कर सकते हो, फ्लैट ओपन होता है इस लाइन को क्रॉस करता है तो बाई कर सकते हो, या फिर इस सपोर्ट पर आता है मार्केट तो भी आप बाई कर सकते हो। ऐसे ही हमने आपको सेल की कंडीशन बनाई है, बताइए उस तरह से आप मार्केट को देखिएगा, जांचिएगा, परखिएगा और समझिएगा, मार्केट को सीखने की कोशिश करिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्रूड ऑयल की। ये क्रूड ऑयल है 4300 पर आ चुका है क्रूड ऑयल। आज इसकी सिचुएशन क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, पहले नीचे गया, फिर स्विंग बनाता हुआ ऊपर गया, फिर स्विंग लो बनाया, हाई बनाया, इस तरह मार्केट अभी थोड़ी देर से इस रेंज में घूम रहा है, ठीक है। नो डाउट दो पॉइंट देखिए, कमोडिटी मार्केट न्यूज़ पर बहुत चलता है,
इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, विदेशों में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जब कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई जो है वो बनी रहेगी, डिमांड कम हो जाती है और डिमांड कम की वजह से भी मार्केट नीचे आता है। तो हमको करना क्या चाहिए, यहाँ पर ये काफ़ी देर से एक रेंज में है, ये हमारा एक सपोर्ट है, ये हमारा एक सपोर्ट है। तो मार्केट इस सपोर्ट को जब तक होल्ड कर रहा है आप बाई पोजीशन में रह सकते हैं इस सपोर्ट का एसएल लेके। ये रेंज है, इस रेंज को ब्रेक करने पे आप बाई कर सकते हैं, इस सपोर्ट का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो आप इसी एक कैंडल के हाई का एसएल लेके और इसमें 30 से 40 पॉइंट के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। सिंपल तरीका, बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, ये भी हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कॉपर की। ये कॉपर है, कॉपर जो है बहुत बार 660 पर टच कर चुका है। आप देखोगे जब मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ भी लगभग ये 662 के आसपास आया है और यहाँ भी लगभग ये 660 के नीचे चला गया है। एक ये इसने बनाया है सपोर्ट, मार्केट लगातार सेलिंग साइड में है, आप देख सकते हो मार्केट लगातार सेलिंग साइड में है और मार्केट में अपसाइड आ सकती है। अगर कहीं से भी ये न्यूज़ आ गई कि कोरोना स्थिर हो गया है, यानी कोरोना के केसेस कांस्टेंट हो गए हैं, ये कॉपर फिर से ऊपर जाएगा। अगर कोरोना के केसेस इसी रफ्तार से बढ़े तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ कॉपर जो है 550 भी आ सकता है, कॉपर 550 भी आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी सेल साइड में कॉपर है लेकिन इसको अगर मैं बाई करना पसंद करूँगा तो कहाँ पर बाई करना पसंद करूँगा, आप देखिए ये जो रेंज है, ये जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक की, अगर कॉपर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम इसमें बाई करना पसंद करेंगे पोजिशनली। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, इस रेंज के नीचे रहता है, तो जब जब इस रेंज पे आएगा हम सेल करेंगे, जब जब इस रेंज पे आएगा हम सेल करेंगे, इस रेंज को एक बार ब्रेक करके क्लोजिंग दे देगा हम बाई करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कॉपर में। बात करते हैं नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस की स्थिति भी वही है, 180 तक जा रहा है, 186 तक जा रहा है। कहाँ कहाँ जा रहा है मार्केट, 180 के आसपास जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये 180 के आसपास आ रहा है और ये देखिए 186 के आसपास जा रहा है। ये एक बड़े टाइम की रेंज इसने बना ली है, ये ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद ये अभी ठीक बीच में घूम रहा है, यानी इसको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। जो लोग 1-2 रुपए के लिए ट्रेड करते हैं वो कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को बड़ा मूवमेंट चाहिए वो केवल इस हाई के ऊपर, यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करने के बाद आप एंट्री लोगे, यानी लगभग लगभग 187 के आसपास आपकी एंट्री बनेगी। तो 187 से 195 200 के टारगेट आपको मिल सकते हैं और यहाँ पर अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे 170 और 160 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो रोज़ ट्रेड करने की बजाय एक बार ट्रेड करना पसंद करता हूँ और लंबा प्रॉफिट ले लेता हूँ जो मुझे महीने भर का प्रॉफिट दे देता है। तो जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो लोग अपने इस हिसाब से इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो एनालिसिस पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, जिस दिन मेरे वीडियो पे 1000 लाइक मिल गए उसी दिन मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा इंट्राडे के लिए जो कमोडिटी में तो वर्क करती ही करती है, स्ट्रेटजी में इक्विटी में भी वर्क करेगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके लाइक का, 1000 लाइक जिस दिन मिलेंगे उस दिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको तुरंत स्ट्रेटजी देने की। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।